नमस्कार दोस्तों, हम टॉपिक लेके आए हैं एग्रो एंड सोशियो फॉरेस्ट्री, कृषि एवं सामाजिक वानिकी। इसकी परिभाषा कृषि वानिकी की एग्रो फॉरेस्ट्री, जिस प्रणाली के अंतर्गत भूमि के एक ही खंड में कृषि एवं वानिकी कार्य साथ साथ या अलग अलग ढंग से किया जाता है, कृषि वानिकी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, फसल एवं वृक्षों की खेती करना कृषि वानिकी कहलाता है। इसके छह कार्यक्रम हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर वन, मनुष्य के लिए फूड यानी भोजन उपलब्ध करवाना। नंबर टू, जीव जंतुओं के लिए फीड मतलब चारा उपलब्ध करवाना। नंबर थ्री, वस्त्र के लिए फाइबर मतलब रेशा। नंबर फोर, ग्रामीण तथा शहरी घरों हेतु फ्यूल मतलब ईंधन। नंबर फाइव, गरीब ग्रामीण तथा सरकारी विकास कार्यक्रमों के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाना। नंबर सिक्स, फंड उपलब्ध करवाना होता है। कृषि के साथ वानिकीकरण की अनिवार्यता निम्नलिखित कारणों से बढ़ाई जा सकती है। नंबर वन, जलावन तथा चारे की लगातार सप्लाई। नंबर टू, पर्यावरण संतुलन। नंबर थ्री, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ताजी ऑक्सीजन। नंबर फोर, वायुरोधी वृक्षों एवं पट्टियों के रूप में काम करना। नंबर फाइव, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। ऑब्जेक्ट, कृषि वानिकी के उद्देश्य। देखिए दोस्तों, कृषि वानिकी के उद्देश्य, नंबर वन उद्देश्य हैं अधिक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना, यानी कि सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्राप्त करना। नंबर टू, छोटे तथा सीमांत किसानों के उपजाऊ मिट्टिया पर सघन कृषि वानिकी करना। नंबर थ्री, किसान अपने जमीन से आवश्यक वस्तुएं एग्जाम्पल भोजन, फल, चारा, जलने के लिए लकड़ी आदि उपलब्ध आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर फोर, निम्न भू उर्वरकता अधिक क्षरण व भू अपरदन से प्रभावित भूमि के टिकाऊपन तथा भू उत्पादन में बढ़ोतरी करना। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि वानिकी का उद्देश्य, नंबर वन उद्देश्य है भवन निर्माण के लिए सस्ती एवं हल्की लकड़ी का उपलब्ध होना। नंबर टू, स्थानीय लोगों के लिए जलावन हेतु लकड़ी का उत्पादन। नंबर थ्री, पशुओं के लिए चारा तथा फसलों हेतु हरी खाद उत्पादन। नंबर फोर, ठंडी हवाओं से फसलों की सुरक्षा। कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, कृषि वानिकी के अंग। नंबर वन, एग्री सिल्वीकल्चर यानी कि क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप को एक साथ उगाना। नंबर टू, साइलो पास्चरल सिस्टम, वृक्ष तथा चारे वाली फसल को एक साथ उगाना। नंबर थ्री, एग्रो साइलो पास्चरल सिस्टम, कृषि वृक्ष व चारे वाली फसल को एक साथ उगाना। एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप प्लस पास्चर मैनेजमेंट। नंबर फोर आता है कृषि उद्यान वृक्ष वर्धन प्रणाली, एग्रो हॉर्टी सिल्वी कल्चर सिस्टम। इसमें कृषि एवं हॉर्टिकल्चर क्रॉप और चारे वाली फसल को एक साथ उगाया जाता है। बहु उपयोगी उपज वानिकी, मल्टी प्योर फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम। इस प्रणाली में वृक्षों के ऐसे प्रजातियां का रोपण किया जाता है जिससे अनेक प्रकार के उपयोगी उपज प्राप्त होती हैं। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लकड़ी उत्पादन करना है, लेकिन अन्य दूसरी वनोपज उपफल के रूप में प्राप्त होती हैं। वनोपज में हरा चारा, फल, शहद, महुआ, उपयोगी बीज आदि प्राप्त होते हैं। बाउंड्री प्लांटेशन, ट्री बाउंड्री प्लस क्रॉप, ब्लॉक प्लांटेशन, ब्लॉक ऑफ ट्री प्लस ब्लॉक ऑफ क्रॉप, एनर्जी प्लांटेशन, ट्री प्लस क्रॉप ड्यूरिंग इंटल ईयर्स। नंबर नाइन, इले क्रॉपिंग, पर्सनल एइंग प्लस क्रॉप यानी कि मुख्य फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल बोना है, इले क्रॉपिंग कहलाता है। नंबर टेन, एग्री हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट ट्री प्लस क्रॉप को एक साथ उगाना। नंबर 11, सिल्वी ओलेरिकल्चर, ट्री प्लस वेजिटेबल को एक साथ उगाना। नंबर 12, हॉर्टी पास्चरल यानी कि फ्रूट ट्री प्लस पास्चरल और एनिमल्स एक साथ रखना।
नंबर 13 हॉर्टिकल्चर ओलेरिकल्चर फ्रूट ट्रीज प्लस वेजिटेबल को एक साथ उगाना। नंबर 14 फॉरेज फॉरेस्ट्री यानी कि चारे वाली फसल और कृषि को एक साथ करना। नंबर 15 सेल्टर बेल्ट यानी ट्री प्लस क्रॉप को एक साथ उगाना। विंड ब्रेक के लिए ट्री प्लस क्रॉप को एक साथ उगाना। लाइव फंक्शन शेयर एंड अंडर ट्रीज ऑन बाउंड्री सिल्वी और हॉर्टिकल्चर ट्री और फ्रूट ट्री प्लस सेरिकल्चर। सिल्वी और ओर्टी सिल्वीकल्चर ट्री और फ्रूट ट्री एंड सिल्वीकल्चर ओर्टी एपिकल्चर यानी कि फ्रूट ट्री प्लस हनीवी यानी मधुमक्खी पालन करना। एक्यू फॉरेस्ट्री ट्री प्लस फिशरीज का पालन करना। सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी, इसका अर्थ होता है सामुदायिक विकास हेतु उपयोगी वृक्षों को लगाना। इस शब्द का प्रयोग वेस्टोवी द्वारा 1968 में किया गया। सामाजिक वानिकी के तहत लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षहीन क्षेत्रों में तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। सामाजिक वानिकी का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। नंबर 1 लोकतंत्र का सिद्धांत। नंबर 2 वानिकी क्षेत्र प्रसार का सिद्धांत। नंबर 3 गरीब उन्मूलन का सिद्धांत। नंबर 4 रोजगार का सिद्धांत। नंबर 5 सरकार समर्थित कार्यक्रम का सिद्धांत। ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी के उद्देश्य। पहला इसका उद्देश्य है जो है लोगों को जलाऊ एवं इमारती लकड़ी बांस चारा इत्यादि की आवश्यकता की पूर्ति कराना होता है। नंबर 2 कृषि उत्पादन बढ़ाना। नंबर 3 लोगों को रोजगार के अधिक साधन उपलब्ध कराना। नंबर 4 भूमि को संरक्षित एवं संवर्धित रखते हुए भूमि का सदुपयोग करना। नंबर 5 कुटीर उद्योगों का विकास करना। नंबर 6 भूमि एवं जल संरक्षण की समुचित व्यवस्था करना। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ एग सोशियो फॉरेस्ट्री सामाजिक वानिकी के अंग। पहला है परिक्षेत्र वानिकी फार्म फॉरेस्ट्री। नंबर 2 ग्रामीण वानिकी या प्रसार वानिकी। नंबर 3 शहरी वानिकी